आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के निशाने पर एक बार फिर भारत है। इस संगठन के निशाने पर भारत के सत्तारूढ़ दल का एक बड़ा नेता था। हालांकि उस नेता के नाम की पुष्टि नहीं हो सकी है, पर समझा जाता है कि वो नेता बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा है। बताते हैं कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी बहस में पैगंबर मोहम्मद पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका विरोध पूरी दुनिया में हुआ था। बाद में बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने खबर दी है कि खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB ने आत्मघाती हमले की योजना बना रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वो शख्स इस्लामिक स्टेट का सदस्य था और भारत में कोई बड़ा हमला करना चाहता था। रिपोर्ट में कहा गया है, रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने रूस में प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। वो एक मध्य एशियाई देश का रहने वाला है। वो खुद को विस्फोटक से उड़ाकर भारत में सत्ताधारी समूह के किसी बड़े आदमी को निशाना बनाना चाहता था। समझा जाता है कि वो संदिग्ध आतंकवादी तुर्की का रहने वाला है। गृह मंत्रालय के मुताबिक IS इंटरनेट पर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके अपनी विचारधारा फैलाते हैं। साइबर स्पेस पर एजेंसियां इसे लेकर सतर्क रहती हैं और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। बता दें कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया अलकायदा इन इराक के बचे हुए लोगों का संगठन है। इस समूह ने अपना नाम ISIS रखा ताकि वो स्थानीय महत्वाकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सके। ISIS का नेतृत्व अबू बकर अल बगदादी के हाथ में था, जिसने जून 2014 में इस्लामी खिलाफत की स्थापना की घोषणा की थी। 27 अक्टूबर 2019 को उसकी गिरफ्तारी के लिए गए अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन दल ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। ISIS ने सीरिया के विवाद और इराक के सांप्रदायिक तनाव को अपने पक्ष में खूब भुनाया। इससे उसे दोनों देशों के कुछ प्रांतों में नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। वर्ष 2019 में ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन ने सीरिया और इराक में ISIS के नियंत्रण वाले सभी प्रांतों को आजाद करा लिया था। इराक, सीरिया तथा अन्य देशों में इस समूह के खिलाफ अभी भी अभियान चल रहे हैं। नवंबर 2015 में ISIS ने पेरिस में एक साथ कई हमले किए थे, जिसमें अमेरिकी नागरिकों सहित लगभग 130 लोगों की जान गई थी और 250 से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मार्च 2016 में ISIS ने ब्रसेल्स में एक साथ दो हमले किए, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इस हमले में 250 लोग घायल भी हुए थे। जून 2016 में ISIS के प्रति निष्ठा रखने वाले एक हथियारबंद व्यक्ति ने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो के पल्स नाइट क्लब में 49 लोगों की हत्या कर दी थी और 53 लोगों को घायल कर दिया था। जुलाई 2016 में ISIS ने फ्रांस के नाइल्स में बेस्टिल डे के जश्न के दौरान भीड़ पर ट्रक चढ़ाकर आतंकवादी हमले करने की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में 86 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 3 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। जनवरी 2019 में ISIS ने सीरिया के मनविज में एक रेस्तरां पर आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 4 अमेरिकी नागरिकों सहित कुल 19 लोग मारे गए थे। श्रीलंका में 2019 में ईस्टर संडे के दिन 5 अमेरिकी नागरिकों सहित कुल 250 लोग तब मारे गए थे जब ISIS से प्रेरित आतंकवादियों ने आपसी तालमेल से कई गिरजाघरों और होटलों पर आत्मघाती बम हमला किया था।